सरकार की योजनाएं किस तरह से कमीशनबाजी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण यूपी के जनपद बलिया में उस वक्त देखने को मिला जब सामूहिक विवाह योजना में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां देखा गया कि बिना दूल्हे के ही लड़कियों ने अपने ही हाथों से अपने ही गले में वरमाला डाल फर्जी शादी रचाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो 25 जनवरी का बताया जा रहा है। अब जो डालने हैं बैठ जाए, जिन्होंने बाहर पहना गले वरमाला डाल दिया बैठ जाए, यहाँ सामने जो बाहर मौजूद लोग खड़े हैं। वीडियो देखने के बाद आपको ये यकीन ही नहीं होगा कि ये सामूहिक शादी समारोह है या फिर गुड्डा गुड्डी का खेल, जहां दुल्हन खुद अपने हाथों से अपने गले में वरमाला डाल रही है और दूल्हा सामने खड़ा होकर खिसियाई नजरों से देख रहा है, फिर चेहरा दूसरी ओर फिर मुस्की मारता है। इसमें इस बेचारे दूल्हे की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इन्हें तो किराए पर लाया गया था। यही नहीं, जब इस मामले पर पत्रकार साथियों ने वहां मौजूद लोगों से बात की तो पता चला कि जो युवक शादी देखने आए थे उन्हें जबरन दूल्हा बना दिया गया और उनसे कहा गया कि फर्जी शादी कर लो तुम्हें 2-3 हज़ार रुपए दिया जाएगा। क्या देखने? ये शादी होता है। हाँ। फिर क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे 2-3 लोग हमको बलिया ही बैठा दिया तो मैं बैठ गया। किस लिए बैठा दिया? जबरदस्ती ऐसे ही बैठा दिया था। क्या कहे? बैठ गया था। क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हज़ार रुपया देंगे बैठ जाओ। किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए तो आप बैठ गए वहाँ। फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं चला गया उठकर। कहाँ चले गए? देखने के लिए। तो क्या दूल्हा बना के बैठे थे कि कैसे बैठे? नहीं, ऐसा ही बैठे थे। नहीं देखा जाए टोपी भी लगा कर बैठे हैं, माला भी पहने हैं। वो फोटो खींचे थे माला दूसरा था, टोपी लगा के बैठे थे। वो टोपी नहीं लगाए थे। दुल्हन कहाँ की थी मालूम है? मालूम नहीं है। दुल्हन को मालूम नहीं है? पैसा मिला आपको? जो नहीं मिला। कौन कहा था देने के लिए? वो एक बूढ़ी थी, उसे ही उठ के चला गया। बोला कि क्या ले, उसे चला गया मैं उठ कर। कितने ऐसे लोग थे वहाँ जो जबरदस्ती बैठाया जा रहा था? तो बहुत लोग थे। क्या क्या कर रहे थे बहुत लोग? बहुत लोगों को बैठाया गया वहाँ? हाँ, सब लोग तो बैठा ही था, हम ही थोड़ी नहीं अकेले था, बहुत लोग था। गांव के कितने लोग बैठे थे आपके? बहुत लोग था। फिर भी मालूम नहीं हमको कितना था। गाँव में कितने लोग थे आपके लगभग? गाँव में तो बहुत आदमी गए थे। आपका उम्र क्या हो गया? उम्र क्या होगा? 19। और बाकी जो लोग आपके साथ थे क्या? बाकी आपसे छोटे लोग थे, आपके गांव के बड़े लोग थे? सब हमारे ही साथ गए थे। शादी करने गए थे, कन्या मिली आपको? नहीं मिली। तो आखिर कन्या नहीं मिली तो दूल्हा कैसे बने? ठीक। वहीं जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मुख्य विकास अधिकारी का कहना है मामले की जांच की जा रही है और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि जांच पूरी होने तक रोक दी गई है और मामले की जांच के लिए 20 सदस्यों की टीम बनाई गई है। अभी उन्होंने कल 3 ग्राम पंचायतों का हमें करके दिया है, जिसमें से अराउंड 25-26 के उन्होंने सत्यापन किए घर घर जाके, तो उसकी रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 8 जो थे वो अपात्र थे, जो कि जिनको पात्र करके आवेदनकर्ता ने अप्लाई किया और उसको सत्यापनकर्ता अधिकारी ने नीचे ग्रामीण स्तर पे फील्ड लेवल ऑफिसर ने सत्यापन करके उसको पात्र घोषित करके ये किया और तुम तो उसके खिलाफ हम लोग FIR दर्ज करा रहे हैं, जो भी सत्यापन करता है उसके खिलाफ भी और आवेदन करता है उसके खिलाफ। ये जो पूरे लोग जो शादीशुदा हैं, कब तक इसकी पूरी पूरी रिपोर्ट आ जा सकती है? देखिए, हमने आज सुबह जो टीम कल रात को ही हमने जो टीम निर्देशित करी, आज सुबह 6 बजे से हमारी जो 20 लोग 20 जिला स्तरीय अधिकारी जो सब फील्ड में इस वक्त मौजूद हैं, चारों ब्लॉक्स में घूम रहे हैं, घर घर ग्राम ग्राम पंचायत घूम रहे हैं, हमने उनको निर्देशित किया है कि आज शाम तक हमें 100% सत्यापन करके रिपोर्ट आप प्रेषित करिए, उसके खिलाफ और जो भी संबंधित अपात्र पाए जाते हैं इसमें उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। वहीं मामले को लेकर बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने भी अपनी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है, जो भी इसके पीछे हैं या जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह गरीबों के साथ हुए खिलवाड़ है। मुख्यमंत्री जी ने एक जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो गरीबों को बहुत लाभान्वित करती है, ऐसी सामूहिक
विवाह योजना शुरू की है थी और जिसमें मनियर में भी हुआ था। 560 से ज़्यादा इसमें जोड़ों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी भर साथ निभाने की शुरू। किस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया है और आपकी तरफ से किस तरह की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं? देखिए, ऐसा मेरे संज्ञान में आया कि कुछ वहाँ पे जोड़े ऐसे थे जो सही तौर पर नहीं थे और उनके कागज भी सही नहीं थे। यह मुझे आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी हुई, टीवी चैनल के माध्यम से, समझा करने के माध्यम से, और जिसके लिए फिर मैंने अपने यहाँ के डीएम और सीओ सबसे बात करी है। और जो भी इस पे दोषी होंगे उन पे बाकायदा कार्रवाई होगी, इसका साफ निर्देश है, क्योंकि ये गरीबों के लिए योजना है और इसके साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, कम से कम इस सरकार में तो नहीं बख्शा जाएगा। अभी तक की जाँच में 8 लोग अपात्र पाए गए हैं, यानी कि शादी के लिए वह योग्य ही नहीं थे। जिला प्रशासन ने कहा कि जो भी अपात्र पाए जाएंगे उनसे रिकवरी भी की जाएगी और मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलिया से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।